थाना रामपाली कस्बे से 25 जनवरी के लापता हुए विशाल खोबरागढ़ी युवक की हत्या करने वाले मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने इस अंधे हत्याकांड में शामिल 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि इसी मामले में लिप्त हत्याकांड के मुख्य आरोपी सहित कुल 4 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है, जिसकी तमाम जानकारी शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के द्वारा दी गई, जिसमें उन्होंने इस वारदात में लिप्त अन्य 4 फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किए जाने की भी बात कही। पता जा रहा है कि इस मामले में फरियादी की तरफ से काफी देर से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके चलते इस मामले के आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा करने में पुलिस को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहां विशाल की मां विद्याबाई खोबरागढ़ के द्वारा रामपाली थाने में उसके लड़के विशाल खोबरागढ़ की गुमशुदगी की रिपोर्ट 22 फरवरी को दर्ज कराई थी, जबकि उनका बेटा विशाल 25 जनवरी से ही घर से गायब था। जहां 2 दिन के भीतर ही पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं फरार अन्य आरोपी की जल्द ही गिरफ्तारी की जाने की भी बात कही। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामपाली निवासी मृतक विशाल खोबरागढ़ी के रिश्तेदार का भाई भीम खोबरागढ़ी ने ही विशाल की हत्या का षड्यंत्र रचा था, जहां उसने विशाल की संपत्ति हड़पने के चलते अपने अन्य साथियों की मदद से पहले तो विशाल को बहला फुसला कर टवेरा गाड़ी में अपने साथ ले गए और बाद में उसे शराब पिलाकर टवेरा कार में ही गमछे से गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। बाद में साक्ष्य छुपाने के लिए विशाल के शव को थाना लामता के चरेगा चौकी के अंतर्गत आने वाले ग्राम आमाखोली के जंगल में सूखे नाले के पास गड्ढा खोदकर दफन कर दिया गया था। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने जल्द ही इस हत्याकांड के मुख्य सरगना भीम खोबरागढ़ सहित लामता निवासी एक अन्य आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार किए जाने की बात कही। अभी तक जो पता है उसमें 7 आरोपी 3 राउंड अप किए जा चुके हैं। मेन व्यक्ति उनको अभी नहीं मिला है, परंतु मुझे लगता है बहुत जल्दी वो भी राउंड अप हो जाएगा। अपने को लगभग 4-5 दिन पहले गूगल ने सूचना दी कि सर 25 जनवरी को रामपाली क्षेत्र से एक व्यक्ति विशाल खोबरागढ़ वो गायब हुआ है और उसको लामता में उसकी हत्या की, उतना इन्फॉर्मेशन अपने पास मिला। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको फॉलोअप करना शुरू किया कौन है विशाल खोबरागढ़ी, तो वाकई पता चला कि 25 जनवरी से तक कोई सुराग नहीं। सरप्राइजिंग बात है कि परिवार वालों ने भी गोविंद सान की कोई शिकायत हमारे पास नहीं की। जैसे ही अपने को सूचना मिली हमें तत्काल गोविंद सान की इसमें का पंजीकरण किया और उसके बाद विशाल खोबरागढ़ी के विषय में जानकारी एकत्रित करना शुरू की कि इस तरह का वो काम करता था, कंपनी के साथ रहता था और धीरे धीरे इसके एक एक लेयर से निकलते गए तो फाइनली 3 आरोपी हमें मिले, जिनको कुछ को गोंदिया से राउंड अप किया, कुछ को कहीं से राउंड अप किया और उनकी निशानदेही पे लामता के चरे गांव के पास लवेरी गांव में लवेरी के पास से हमने इसकी बॉडी को रखी। उन लोगों ने उसको मार कर गला घोट कर और वहाँ गाड़ दिया था। 4 अक्यूज अभी फरार हैं, उनको भी हम राउंड अप बहुत जल्दी करेंगे। और मैं मानता हूँ कि एक ऐसा केस जो कि पुलिस के नॉलेज में भी नहीं आया था उसको भी हम लोगों ने 4 दिन के अंदर, मुझे लगता है 22 को स्टार्ट हुआ होगा, 4 दिन के अंदर हमने उसको ट्रैक करके उसमें बॉडी रिपोर्ट की। विशाल खोबरागढ़ी हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने इस मामले में लिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि इस मामले के मुख्य सरगना सहित अन्य 4 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने इस मामले में रामपाली कस्बी टोला 43 वर्षीय गणेश पिता बस्तीराम उइके को, रामपाली निवासी 32 वर्षीय बालकृष्ण और बालू पिता बतीराम दमाही को, वारसुनी ग्राम रजेगांव भीमनगर निवासी 36 वर्षीय मदन पिता परेश खोबरागढ़ को गिरफ्तार किया है, जबकि इसी मामले में रामपाली कस्बी टोला निवासी मुख्य आरोपी भीम खोबरागढ़ और लामता निवासी 3 अन्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी भीम खोबरागढ़ ने ही विशाल की हत्या करने की साजिश रची थी, जहां उसने विशाल की प्रॉपर्टी हड़पने की नीयत से हत्याकांड की इस वारदात को अपने साथियों की मदद से अंजाम दिया था, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं पुलिस के द्वारा इस मामले में लिप्त फरार 4 आरोपियों को ही जल्द गिरफ्तार किए जाने का दावा किया जा रहा है। अभी तक जो पता चला है पूछताछ में वो जो इसका मेन अक्यूज
वो पैसे के लालच में बाकी को लेके गया था, इस विशाल को भी लेके गया था संभवतः पैसे के लालच में, और इसकी संपत्ति हड़पने का प्लान था ऐसा पता चला। क्योंकि जब मेरा क्यों राउंडअप होगा तो हमें बाकी सारी चीज़ें पता चलेंगी। और मैं इसको, मैं रामपाल की पुलिस और इसको मैं बधाई देना चाहता हूँ, जो भी बारा सिंह साहब और विजय, ये बिल्कुल ब्लाइंड मैटर को 2 दिन के अंदर डिस्क्लोज किया गया। एक बार फिर से इन सभी को बधाई और बहुत जल्दी से बाकी अक्यूज भी राउंड। जब भीम खोबरागड़े है वो परिवार का है तो सगा भाई है? सगा नहीं, इसका पर्पस था भीम का कि क्योंकि तो अभी विशाल जो था वो इकलौता वारिस था पूरे खानदान, इसका पर्पस इसकी मंशा ये थी कि विशाल की मृत्यु के बाद पूरा पैसा उसका, पूरी जमीन वो इसके नाम पे है। और एक तरह से इसने परिवार वालों पे भी दबाव बनाया था कि भाई आप किसी भी तरह की पुलिस में शिकायत नहीं करें, उसके गायब होने पर परिवार को संभवतः पता भी नहीं था कि उसकी मृत्यु के ऊपर उसको हत्या की जाएगी। पर इसका जो मोटिव है वो अगेन प्रॉपर्टी रिलेटेड है, और बहुत जल्दी मुझे लगा एक भीम भी हमारे पास। सर तो भाई कैसे कनेक्ट? भाई मेरा भाई ये सर डिटेल में देख लूँगा उनका रिलेशन का।